हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि सूर्योदय आपकी कौन सी तीन इच्छा पूरी करने वाले हैं, आखिर सूर्योदय आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। देखिए, स्क्रीन पर आपको दो नंबर दिखाई दे रहे होंगे, नंबर 1 और नंबर 2, दोनों पे सूर्य हैं। अब आपको जो भी नंबर या जो भी सूर्य अपनी तरफ अट्रैक्ट करें उसे चूज़ कर लें। उसके बाद हम देखेंगे सूर्यदेव आपकी कौन सी तीन इच्छा पूरी करने वाले, आखिर क्या कह रहे हैं सूर्यदेव, किस तरह का इफेक्ट डाल रहे हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं कि सूर्यदेव क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पारिवारिक सुख है ना, वैवाहिक सुख, इसके साथ ही शारीरिक सुख, ये तीनों चीज़ें आपके भाग्य में हैं। अब अगर हम बात करें आर्थिक सुख की, तो वो आएगा आपकी सकारात्मक अनुभव से। जब तक आप सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन अपने अंदर नहीं लाओगे, तब तक आर्थिक सुख से आप वंचित रहोगे। जी हाँ दोस्तों, प्योर हिंदी में बोल रही हूँ, इसलिए प्लीज़ अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर मैं बीच बीच में ट्रांसलेट करती रहूँगी। पॉजिटिव बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव बिहेवियर से आपकी लाइफ में एक अलग ही चेंजेस आपको फील होगा, समाज में मान सम्मान के साथ ही लाभ मिलेगा। पुरानी कोई मेहनत का फल सूर्य भगवान आपको देने वाले हैं, इसी के साथ बहुत बड़े लाभ मिलने के योग भी हैं। नौकरी में कोई बहुत बड़ा काम आपका होने वाला है, या तो आप कहीं सर्विस कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ प्रमोशन के योग मिल रहे हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, या यूँ कहें आपने कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनाया तो उसकी प्रशंसा हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसा खास हो रहा है आपके जीवन में, आपके लाइफ में, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के अटके हुए काम पूरे होंगे, कार्ड ओपन हुआ जो बता रहा, काफ़ी समय से कुछ अटके हुए कार्य थे आपके जो पूरे नहीं हो रहे थे, तो आपको लोड लेने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य था आपका, बहुत समय से लंबित पड़ा था, वो अब होने वाला है। भूमि भवन से जुड़े कामों में लाभ मिलने के योग हैं। व्यर्थ के वाद विवाद से बचे, वरना दिक्कतें आपकी बढ़ सकती है। मिला जुला समय आपके लिए रहने वाला है, मेहनत के अनुसार लाभ मिलने वाला है। थोड़ा लापरवाही करने से बचना होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपकी लापरवाही चल रही है उस तरीके से आपके जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ सकती है। तो काफ़ी कुछ परिवर्तन पॉजिटिविटी से आएगा, इस बातों का ध्यान रखें। अटके कामों में गति आएगी, सफलता मिलेगी, प्रसन्नता ही प्रसन्नता चारों तरफ रहेगी, घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। सूर्यदेव की पूरी पूरी कृपा आपके ऊपर होने वाली है, धन लाभ होने वाला है, आर्थिक उन्नति होने वाली है। बस ज़रूरत है तो आपको अपने अंदर कुछ बदलावों की, समय रहते अगर आपने ये कुछ बदलाव कर लिए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। फर्स्ट, जैसे भी करें, कैसे भी करें, जितना भी करें, कैसे भी करें, लेकिन ईश्वर के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें। तो जो बातें मैं आपको बता रही थी वो यही है कि सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है, बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जो ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं, जो समझने योग्य बातें हैं, जो कहीं ना कहीं मन को समझाने वाली बातें हैं, वो यही है कि गुस्सा करने से बचना होगा, कंट्रोलिंग करना होगा अपने गुस्से को, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है किसी बात पर, थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें। कैसे भी समय मिले, कितना भी समय मिले, ईश्वर के मंदिर में 24 घंटे में से एक बार जरूर जाएं, क्योंकि जब तक आप 24 घंटे में से एक बार नहीं जाएंगे तब तक आपके जीवन में परिवर्तन होता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंशियंस आपको दिखाई देंगे, एक बार आप ज़रूर कोशिश करें, एक बार ज़रूर आप इन चीज़ों को आजमा के देखें। रोज़ मंदिर जाएं,
रोज़ आप भगवान की पूजा अर्चना करें, इससे आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे। जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन चाहते हो तो ईश्वर की आराधना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर की आराधना के लिए हर समय धर्म के मार्ग पर चलो, ज़रूरतमंदों की मदद करते रहो और हमेशा ये समझो कि ईश्वर की इच्छा है। जो भी कार्य अगर कोई करने के लिए कहता है तो ये समझे कि इसमें ईश्वर की इच्छा है। किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को टेंशन नहीं देना, हमेशा अच्छा कार्य करें। और अच्छे कार्य की हमेशा तुलना लोग करते हैं, हमेशा लोग सम्मानित करते हैं अच्छे कार्य करने वालों को। तो थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा समझें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। कंसंट्रेशन बनाए रखें लाइफ में और इतना ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर होती हुई नज़र आ रही है। सूर्यदेव आपसे प्रसन्न हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की या बहुत ज़्यादा लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ रिलैक्स रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर की। जिन्होंने भी सेकेंड नंबर चूज़ करा है आपके लिए, देख लेते हैं सूर्यदेव कौन सी तीन खुशखबरी आपको देना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले तो बिगड़े हुए काम सूर्य की वजह से सुधरने वाले हैं। सूर्यदेव आपके सारे बिगड़े हुए काम बनाने वाले हैं। जो भी नई योजनाएं आप बनाएंगे उन नई योजनाओं का आपको तुरंत लाभ मिलने वाला है। यानी कि इस बार मेहनत के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। कोई बड़ी खरीदारी आप करने वाले हैं। लेन देन में जल्दबाजी ना करें, सोच समझ कर निवेश करें। सूर्य की वजह से काम में देरी हो सकती है, अनजाना डर बना रहेगा, बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। तो काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि सूर्य देव जो है आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। तो उस परीक्षा में आपको पास होना है, उस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना है, यानी कि वही पास होना है। देखिए लापरवाही आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है ना, इससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। निवेश करना चाहते हो तो सोच समझ के करो, है ना, और जल्दबाजी नुकसान कर सकती है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखो। समय बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। चिंताएं क्यों कर रहे हो आप, चिंता मत करो, क्योंकि जैसे जैसे आप लाइफ में चिंता करोगे वैसे वैसे आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी और जीवन में वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों, तो टेंशन को थोड़ा सा आप कम करो, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो और जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये ध्यान रखें। सूर्यदेव की कृपा है आपके ऊपर तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। सूर्यदेव की कृपा है, सूर्यदेव चाहते हैं कि आप सूर्य की उपासना करें। देखिए कुछ नहीं करना है, रोज़ अगर आपने एक लोटा तांबे के जल में लाल चंदन मिला करके, लाल फूल मिला करके सूर्यदेव को अर्घ दे दिया तो आपके जीवन में अपार सफलता के योग हैं। क्योंकि जिस तरह से सूर्यदेव आपसे प्रसन्न हैं, जो कार्ड ओपन हुआ है प्रसन्नता पूर्ण कार्ड ओपन हुआ है, एकदम एक होता है फर्स्ट के हाँ प्रसन्न है, सेकंड होता है मीडियम के हाँ प्रसन्न है ठीक ठीक है, और थर्ड होता है अति प्रसन्न, और अति के बाद भी एक होता है कि बेहद अति प्रसन्न, वो वाला कार्ड ओपन हुआ है। यानी कि सूर्यदेव आपसे बेहद अति प्रसन्न है और अगर आपने उन्हें अर्घ दिया रोज डेली सुबह तो आप विश्वास नहीं करेंगे, सोने पे सुहागे का काम करेगा सूर्यदेव को एक लोटा पानी का जल। इसके बाद आपके जीवन में जो बदलाव, जो परिवर्तन आपको महसूस होगा, आप खुद सरप्राइज ले जाएंगे। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा टाइम मिला है आपको जीवन में, तो बिल्कुल खुश रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ें, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा लोड नहीं लेना, कर्म करते रहें और नदी की तरह आगे बढ़ते रहें, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। लक्ष्य के बिना काम करने का कोई लाभ नहीं, लक्ष्य जरूर होना चाहिए लेकिन लक्ष्य हमें खुद ही तय करना होगा, क्योंकि हमारी कार्यक्षमता और योग्यता हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। कार्यक्षमता और योग्यता, बड़े काम भी अगर आप हाथ में लोगे तो अटक जाएंगे और सफलता नहीं मिल पाएगी। अपने लक्ष्य हमें खुद ही तय करने होंगे, क्योंकि हमारी कार्यक्षमता और योग्यता हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। सुंदरता से ज़्यादा गुणों का महत्व है। सुंदरता कुछ देर के लिए प्रभावित होती है लेकिन अच्छे गुणों का असर जीवन भर बना रहता है। जो लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, जो लोग खुद को बदल देते हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं। पतझड़ के बाद ही पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, ठीक इसी तरह संघर्ष करने के बाद ही बड़ी कामयाबी मिलती है और जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। कर्म करते रहो, एक दिन फल जरूर मिलेगा।
कर्म करने के अलावा आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, फल की चिंता नहीं करनी है। हमेशा जब भी पॉजिटिव करोगे पॉजिटिव होगा। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव। वो यही है कि गुस्सा करने से बचना होगा, कंट्रोलिंग करना होगा अपने गुस्से को। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है किसी बात पर, थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें। कैसे भी समय मिले, कितना भी समय मिले, ईश्वर के मंदिर में 24 घंटे में से एक बार जरूर जाएं, क्योंकि जब तक आप 24 घंटे में से एक बार नहीं जाएंगे तब तक आपके जीवन में परिवर्तन होता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंशियंस आपको दिखाई देंगे। एक बार आप ज़रूर कोशिश करें, एक बार ज़रूर आप इन चीज़ों को